वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है टॉपिक लेके आई हूँ वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अकाउंटेंसी में, स्पेशली पार्टनरशिप फर्म में आपको लगने वाला है। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बट इसको अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं बन सकता और उसमें गलतियों की गुंजाइश हो जाती है। ओके, तो एक क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने और उसको अच्छे से प्रेजेंट करने और गारंटी ऑफ प्रॉफिट की किस तरह से वर्कआउट करना पड़ेगा, वो सारा चीज़ मैं आपको इसमें बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट को अच्छे से एक बार समझ लिए तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहुँच दी जाए। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली क्या होता है? जब कहीं पार्टनरशिप फर्म में कुछ पार्टनर्स होते हैं, एक नया पार्टनर आता है, एडमिट करता है, तो उसको गारंटी दी जाती है अक्सर। भाई मैं, मान लीजिए इंसान हूँ, मैं पार्टनर बनने जा रही हूँ, मैं पैसा लगाऊंगी, कैपिटल कंट्रीब्यूट करूँगी, तो मेरी उम्मीद क्या रहेगी कि मुझे भी कुछ प्रॉफिट मिले, मुझे मेरा पैसा डूबता हुआ नहीं देखना है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका पैसा डूब जाए या उसको लॉस देना पड़े। तो यही वजह है, टू अट्रैक्ट पार्टनर और टू एडमिट न्यू पार्टनर, द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, द मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म द डिसाइड टू गिव गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द इनकमिंग पार्टनर। तो इस शर्त के साथ एक नया पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म में आता है। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, मैंने आपको तो बता दिया गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, मान लो ए भी पार्टनर थे, सी को लेकर आए नया पार्टनर, तो सी को गारंटी कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो केवल ए गारंटी देगा सी को कि जो भी कम ज़्यादा होगा भाई मैं दूंगा अकेले। सो ओनली वन पार्टनर फ्रॉम द रिमेनिंग पार्टनरशिप फॉर्म मे गारंटी। और कभी कभी क्या होता है कि ए और बी दोनों मिलके तीसरे को यानी कि सी को गारंटी करते हैं। तो रेशियो जो है वो किस रेशियो में देंगे, अगर दोनों देंगे, अगर एग्जिस्टिंग रेशियो में देंगे, ये सारा चीज़ क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे अगर पार्टनर को गारंटी दी जाती है प्रॉफिट, उसको किस तरह से दिखाया जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस में और जर्नल एंट्रीज उसके क्या होते हैं। तो इसके लिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, एम बी और के तीन पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 6:4:1। दिख सकता है आप लोगों को, देख सक रहे हैं आप लोग, के इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 22 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बॉर्न बाय एम एंड बी, ऑल्सो प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से बहुत आसानी से समझ में आ जा रहा है कि जो गारंटी हम लोग दे रहे हैं किसको, के को, उसको बियर कौन कर रहा है, एम एंड बी बोथ, क्योंकि कोई नया रेशियो बियरेंस का, बियर करने का रेशियो नहीं दिया है, तो हम 6:4 में ही बियर करेंगे। दूसरा, प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, लॉस हुआ है 22 लाख, और साथ ही साथ गारंटी कर रखे हैं के को 2 लाख, तो कहीं कहीं ना कहीं एम और बी के लिए लॉस जो है बढ़ के 24 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसकी सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, के का शेयर लॉस में हो जा रहा है 22 लाख का 1/11 हिस्सा यानी कि 2 लाख। मैंने आपको बताया था 6:4:1 है अगर रेशियो, तो जाहिर सी बात है उसके अनुसार के का शेयर हो जाएगा 22 लाख का 1/11 यानी कि 2 लाख। अब ये 2 लाख तो उसका लॉस है, बट उसको हम देंगे प्रॉफिट 2 लाख, तो कहीं ना कहीं 4 लाख देने से ना उसका लॉस माइनस होगा और प्रॉफिट उसके हाथ में 2 लाख बचेगा। तो ये 4 लाख कौन दे रहा है, ये 4 लाख दे रहे हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म एम एंड बी इन द रेशियो ऑफ 6:4। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ, अनलेस एंड अनटिल एनी न्यू रेशियो इज मेंशन्ड फॉर डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय पार्टनर्स, आपको वही रेशियो लेना है जो पहले दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में 6:4:1 था,
तो के का 1/11 है, तो ये दोनों का हो जा रहा 6:4, तो 200,000 प्लस 200,000 400,000, तो 400,000 को एम और बी देंगे 6:4 यानी कि 3:2 में, तो एम बियर करेगा 2,40,000, बी बियर करेगा 1,60,000। पहले का जो लॉस हुआ है 22,00,000 उसमें का अपना हिस्सा, साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा वाला 2,40,000 एंड 1,60,000। तो इसका जर्नल एंट्री हम पास करेंगे एम्स कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल 4,00,000 और एम में एम के क्रॉस में 2,40,000 बी के क्रॉस में 1,60,000। स्टूडेंट वीडियो पॉज करें और इसको एक बार समझने की नोट डाउन करने की कोशिश करें ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। 22,00,000 लॉस हुआ था और हम के को गारंटी किए 2,00,000 का प्रॉफिट, तो उसका हिस्से का लॉस आ जा रहा है 2,00,000, लेकिन प्रॉफिट क्योंकि हमें उसे देना है तो 2,00,000 लॉस प्लस 2,00,000 एक्स्ट्रा, तो मिला के उसको हम देंगे 4,00,000। तो 4,00,000 देने से एम के हिस्से से जाएगा 2,40,000 और बी के हिस्से से जाएगा 1,60,000 जो कि 6:4 रेशियो में। अब देख लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप टू प्रॉफिट एंड लॉस 22,00,000 लेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एम बी के एंड दे विल गेट रिस्पेक्टिवली दिस। और ये जो हम एडजस्टिंग एंट्री किए हैं ये हमें कैपिटल अकाउंट में करके दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज द जर्नल एंट्री पार्ट एंड दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन फॉर द अबव क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी। स्टे हैव स्टे सेफ, थैंक यू।